हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए सॉफ्टवेयर एकेडमी। और हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीलांसर बिल्डिंग में कैरियर बनाने की। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग ये देखेंगे कि फ्रीलांस और बिल्डिंग में अगर कोई कैरियर बनाता है तो इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से कौन से। तो प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, अगर कौन पहले मैं कौन की बात करता हूँ तो कौन में ये है, इसकी जो खराबी बोल सकते हैं उसमें यह है कि इसमें एक टारगेट होता है, इसमें आपको टारगेट अचीव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आपको तब ऐसे केस में आपको बोला जाएगा कि आपको 2 लाख का कम से कम प्रोजेक्ट लाना है तो आपको 20,000 मिलेगा, नहीं तो हो सकता है आपको 15,000 मिले या फिर 10,000 भी मिले। तो ऐसे में हमेशा एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है कि आपको किसी भी तरह से 2 लाख का प्रोजेक्ट आपको हर हाल में कंपनी को ला के देना है। तो ये एक स्ट्रेसफुल है, एक इसमें तनाव बना रहता है और इसमें एक ये एक इसका कौन सा एक इसकी खराबी है। अगर इसमें हम लोग प्रोस की बात करें या इसकी अच्छाई की बात करें तो मैं पहले भी कुछ अच्छाइयों को आपको गिना चुका हूं, बता चुका हूं। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। आप जरा सोचें, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट 5 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद तब जाके वो अपने करियर को स्टार्ट करते हैं। सैलरी कितनी स्टार्ट होती है? 10,000 15,000 या फिर 8,000 10,000 से सैलरी स्टार्ट होती है। तो आप जरा सोचें, 4-5 साल पढ़ने के बाद वो इतनी सैलरी पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर इसमें आप करियर बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आप 6 महीने जाते जाते बेहतरीन आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप या तो कोई कंपनी में काम कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉयर, अगर वैसा नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास स्किल नहीं, वैसा नहीं करना चाहते हैं तो खुद आपके पास स्किल डेवलप हो जाता है तो घर से काम कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप फ्रीलांसिंग में आपको बेहतरीन नॉलेज है तो घर के बैठे आप काम ला सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पर, परसेंटेज बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रीलांस और बिल्डिंग में कैरियर बनाना ओवरऑल अगर देखा जाए, कंक्लूजन में ये मैं देखा हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं इसमें कि ओवरऑल ये चीज़ है कि फ्रीलांस और बिल्डिंग आज के डेट में एक बेहतरीन करियर है। और अगर आपके फ्रेंड्स में, अगर फैमिली में अगर कोई अगर इसमें फ्रीलांस और बिल्डिंग में करियर बनाना चाहता है तो मेरे समझ से बुरा नहीं है, वो ख़राब नहीं है, एक अच्छा डिसीजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो कमेंट्स हैं, अपने जो थाट्स हैं आपके, वो कमेंट आप जरूर कमेंट में लिखें, साथ साथ में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और यूजफुल वीडियो हम डालते रहें और आप लोग को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।